यूपी की कुंडा से जनसत्ता पार्टी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया, जिन्हें पूरा भारत जानता है, अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुंडा विधायक और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और उनके बीच का आपसी विवाद अब कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दायर तलाक परिवाद पर सोमवार को दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट के पारिवारिक न्यायालय में सुनवाई होनी है। करीब एक महीने पहले राजा भैया की पत्नी भानवी ने कोर्ट में FIR दर्ज कराई थी। इस संबंध में उन्होंने जोरबाग थाने में FIR दर्ज कराई थी। तब उन्होंने MLC अक्षय प्रताप सिंह यानी कि गोपाल जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। उसके बाद दूसरा FIR राजा भैया के ऊपर दर्ज कराया गया और ये केस पारिवारिक न्यायालय का था, जिसके बाद ये मामला साकेत कोर्ट में गया था। अब इसके बाद इस मामले में कल सुनवाई होगी। ये मामला 19 नवंबर 2022 को दर्ज किया गया था। खास बात यह है कि दोनों की शादी 1995 में हुई थी और इस मामले में राजा भैया ने पत्नी भानवी पर घर में झगड़ा और कलह करने का आरोप लगाया है। बता दें कि राजा भैया की पत्नी ने MLC अक्षय प्रताप सिंह और गोपाल जी के खिलाफ EOW में वित्तीय अनियमितता को लेकर केस दर्ज कराया था। बताया जाता है कि कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी और MLC अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी साथ में मिलकर चला रहे थे। भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप सिंह ने धोखा देकर उनका फर्जी हस्ताक्षर करवाया और उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर हथिया लिए। इस मामले में राजा भैया ने कहा था कि वो अक्षय प्रताप सिंह के साथ हैं, घर का मामला हम घर में निपटा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच ही जो है मामला अब काफी मुश्किल होता जा रहा है, काफी दोनों के बीच विवाद हो रहा है और अब ये विवाद तलाक की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि कल की सुनवाई के बाद क्या होता है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP Live।